हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको एक फुल राउंड रिव्यू मिलेगा एक फोन का 2 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा नया सेगमेंट। बहुत दिनों के बाद OnePlus ने अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया है OnePlus Nord के नाम से। ये एक फ्लैगशिप किलर फोन तो नहीं है लेकिन एक मिड रेंज डिसेंट फोन है। इसका स्क्रीन साइज आप देखेंगे तो ये बाजार में मिलने वाले सभी फोन की तरह 6.44 इंच स्क्रीन साइज है, जो कि एक आम बात है। डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें तो वो एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो कि LED स्क्रीन से बहुत ही अच्छा है, और उसका जो कलर रहता है फोन का डिस्प्ले का वो भी अच्छा होता है एज कंपेयर टू LCD पैनल। रिफ्रेश रेट जो है वो 90Hz का है। 90Hz का रिफ्रेश रेट होने के कारण उसमें गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है, और PUBG जो यूज करते हैं खेलते हैं उनके लिए ये फोन यूज करने में कुछ प्रॉब्लम खास नहीं आएगा। वो भी PUBG खेलते टाइम वो HDR मोड में और हाई ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन में गेम खेल सकते हैं। कैमरा की बात करें तो उसका जो बैक कैमरा है वो तीन कैमरा मॉड्यूल है। उसमें प्राइमरी कैमरा जो है 48MP कैमरा है और फ्लैगशिप ग्रेड का सेंसर है जिसके साथ आप बेहतरीन पिक्चर खींच सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो 32MP प्लस 8MP कैमरा है। बैटरी की बात करें तो ये 4000mAh बैटरी के साथ आता है विद 30W फास्ट चार्जिंग। टाइप सी चार्जर होने के कारण आपको जल्दी चार्ज हो जाएगा ये फोन, आपको ये एक दिन यूज करने के लिए परफेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, और ये ऑक्सीजन OS इंटीग्रेटेड होता है। ऑक्सीजन OS एक डिसेंट UI है यूज करने के लिए, ये पूरा सिमिलर लगता है एंड्रॉइड के जैसे ही। उसके वेरिएंट की बात करें तो OnePlus Nord जो है 8GB RAM और 12GB RAM के साथ आता है विद 128GB एंड 256GB इंटरनल मेमोरी रेस्पेक्टिवली। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की बात करें तो वो 765G प्रोसेसर के साथ आता है विद 5G सपोर्टेड, जो कि इस सेगमेंट में यूज करने के लिए नया सेंसर प्रोसेसर है। फाइनली उसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में ये प्राइस 25,000 से 30,000 के करीब आने वाला है। आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।